नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे परिवार चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज लेके आ गई हूँ ये बहुत ही एक नए तरीका के सब्जी, घिया चना और आलू का मिश्रण। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी परोठा के साथ भी अच्छा लगता है। ये घिया है आधा किलो का, मैंने काट के धो के छील के छोटा छोटा पीस करके काटी हूँ, साथ में आलू भी और काली चना रात भर फुला के रखी थी। ये एक टमाटर है, मैंने काट के रखी हूँ। लहसुन है 4-5 कली, ये प्याज है 1 साबुत, ये हरी मिर्ची है। दोस्तों ये मसाला है, कुछ थोड़ा गरम मसाला है, आधा से भी कम चम्मच है, और हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक है, और धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और ये सौंफ और मेथी दाना है, और ये जीरा है 1/2 चम्मच दोनों। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, मैं मेथी दाना और सौंफ दे दिया, उसके बाद जीरा दे दिया। ये जब तड़कने लगेगा तो मैंने साथ में प्याज डाल दिया। प्याज जब फ्राई हो जाएगा, लाल हो जाएगा थोड़ा सा, प्याज थोड़ा सा लाल करना है, मीडियम आंच में ही करना है दोस्तों। प्याज लाल हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें डाल दूंगी वो अदरक का पेस्ट, कद्दूकस कर लिया था, और साथ में जाएगा लहसुन, लहसुन भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। दोनों फ्राई हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद मैंने सब्जी जो काट के रखी हूँ, घिया चना और आलू तीनों डाल दिया। इसको थोड़ा फ्राई करूँगी, साथ में नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल दिया। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, ढक के रखूँगी थोड़ा सा मुलायम होने के लिए। थोड़ा सा घिया और आलू मुलायम हो गया है, अब मैं इसको चलाऊंगी। चलाने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो काट के रखी थी उसको डाल दिया। उसके बाद जाएगा वो जो सूखा मसाला रखी थी, निकाल के आपको दिखाई थी, उसको डाल दिया। अच्छी तरह से चला लूँगी। अच्छी तरह से चलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकने दूंगी, ऐसे ही ऐसे चला लूँगी। थोड़ा चलाने के बाद अच्छी तरह से कस के थोड़ा ढक ढक के चलाओ, ढक ढक के बनाओ, चाहे ऐसे ही बनाओ। मैंने ढका नहीं इसलिए कि घिया है ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने ढका नहीं है, ऐसे ही रख के थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1/2 कप करीब पानी डाली हूँ ताकि आलू सीझ जाए, आलू चना। अब मैं थोड़ा सा चला लूँगी अच्छी तरह से, अब ढक दूंगी थोड़ा, 5 मिनट बाद निकाल के देखी हूँ। देखो सारा सीज गया है बहुत अच्छे से चना, और वो आप अपने हिसाब से सिझा लीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट, वो तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही। अब उतार ली मैंने, बर्तन में डाल दिया, देखो कितना टेस्टी, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। आपका अगर ये सब्जी अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय, नमस्ते, अच्छा रहिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए बना बना के, बाय।